हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ली पनीर का ड्राई रेसिपी और मैं आज आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के दिखाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बता के दिखाऊंगी और आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी। चिल्ली पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। अब पनीर को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है, आप चाहे तो छोटा या बड़ा साइज में कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ तो थोड़ा बड़ा कट किया है। अब एक बाउल में पनीर डाल देंगे और अब इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और सभी चीजों को हाथों से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। 10 मिनट के बाद हम उसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। हमने पनीर को जिंजर गार्लिक पेस्ट और काली मिर्च पाउडर से मैरिनेट किया था, वो अब अंदर ही पैक हो जाएगी मैदे की कोटिंग करने से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सब्जियों में मैंने लिया है 1 शिमला मिर्च, 2 प्याज, थोड़ा सा अदरक, 5 से 6 लहसुन और 2 हरी मिर्च। चाइनीज डिश में सब्जी कटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हम अलग तरीके से कट करते हैं। अभी हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट स्टाइल में ही कट करेंगे। प्याज को हम ऐसे कट कर लेंगे और इसका स्लाइस को अलग अलग कर देंगे, लेयर बाय लेयर अलग करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम शिमला मिर्च को भी कट करेंगे, आप उसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल में कट किया है। ग्रीन चिली को ऐसे पतली लंबी स्लाइस में कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से कट करना है। अब अदरक लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, आप चाहे तो अदरक लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हो। ये देखिए मैंने अदरक और लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बनाएंगे। इस बैटर को बनाने के लिए 1/2 कप से भी कम पानी लगेगा, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ा लेंगे और आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो। ये देखिए तेल अब गर्म हो गया है। अब हम पनीर का पीसेस को बैटर में डुबा कर कोट करके गर्म तेल में फ्राई करेंगे इस तरह से। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें और एक साथ पैन में ज्यादा पनीर पीसेस को नहीं डालना है। ध्यान रहे पनीर को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, 1 मिनट के बाद ही पनीर को निकाल देना है। चारों तरफ से हमारा पनीर जो है कुक हो गया है तो अब उसे टिश्यू पेपर में निकाल देंगे। मैंने सारे पनीर को फ्राई कर लिया है, ये देखिए ये बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम गैस पर दूसरे पैन चढ़ाएंगे और उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पर बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे, प्याज और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब गैस का फ्लेम लो कर ले। अब ये देखिए प्याज और शिमला मिर्च का कलर चेंज हो गया है, हमें इसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना है। अब हम इसमें रेड चिली सॉस 2 चम्मच डाल देंगे, 2 चम्मच टमाटर केचप डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। अब उसमें 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे और फिर से स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि सॉस में भी नमक होता है।
मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने से सभी सॉस का टेस्ट को बैलेंस कर देता है। अगर आपको चिली पनीर का ग्रेवी पसंद है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में पानी डालकर ग्रेवी बना सकते हो। सबसे लास्ट में विनेगर डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब ये ग्रेवी रेडी हो चुका है। अब हम उसमें फ्राई किया हुआ पनीर को डाल देंगे। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ऑरेंज रेड फूड कलर डाल सकते हो। मैंने हाफ पिंच अप से भी बहुत ही कम फूड का कलर लिया है और उसमें थोड़ा सा ही पानी डाल दिया है। ये मिक्स करने से रेस्टोरेंट स्टाइल का जो चिल्ली पनीर का कलर आ जाएगा। अब थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। ये देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल का चिल्ली पनीर रेडी हो गया है। आप इसे स्प्रिंग अनियन से गार्निश करें। अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने स्प्रिंग अनियन नहीं डाल पाई। ये चिल्ली पनीर बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कैसे बना है मेरे चैनल पर शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और मेरी सभी अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी रेसिपी देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और न्यू रेसिपी के साथ।